अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू बैक टू इलेक्ट्रिकल कुछ यूट्यूब चैनल। आज हमारा टॉपिक डिफरेंस बिटवीन एसी मोटर एंड डीसी मोटर से। आज हम डिस्कस करेंगे इसमें एसी मोटर में क्या फ़र्क है और डीसी में मोटर में क्या फ़र्क है। दोस्तों, ये इलेक्ट्रिकल इंटरव्यू में सबसे ज़्यादा पूछने वाला सवाल होता है। तो दोस्तों, आज मैं आपको एसी मोटर्स और डीसी मोटर के बारे में बताऊँगा, जैसे आप अपने अपने इंटरव्यू में बता सकते हैं। तो दोस्तों, पहले डिफरेंस है हमारा पावर सोर्स के ऊपर, मतलब कि पावर सोर्स से मतलब कि हमारी मोटर किस से पावर पे चलती है। सही, पहला है हमारा पावर सोर्स पे, ये हम एसी मोटर्स और ये डीसी मोटर्स, इसका दोनों का डिफरेंस ही आएगा। पहला है जो हमारा पावर सोर्स कौन सी दिया जाता है, कौन से मोटर पे। सही है, जो एसी मोटर से एसी मोटर्स आर पावर्ड फ्रॉम अल्टरनेटिंग करंट, और जो हमारा डीसी मोटर से डीसी मोटर्स आर पावर्ड फ्रॉम डायरेक्ट करंट। ये तो आपको ठीक हो गया ना, ये एसी मोटर्स रुका है एसी पावर, एंड डीसी मोटर्स रुका है डीसी पावर। दूसरा क्या है इसमें, एसी इंडक्शन मोटर डू नॉट हैव ब्रशेस, एंड डीसी मोटर्स आर कंस्ट्रक्टेड with brushes and commutator। मतलब हमारे एसी मोटर्स में कोई ब्रश नहीं लगे होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है दोस्तों, आप में से कई क्वेश्चन, हाँ दोस्तों, आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमारे जो एसी मोटर्स आते हैं जो स्लिप रिंग इंडक्शन, उसमें ब्रश लगे होते हैं। वो जो लगे होते हैं ना, वो एक तरह के ब्रश ही होते हैं, लेकिन उसके अंदर जो हमारा स्लिप रिंग का काम नहीं होता, वो इनसे अलग होता है। जबकि हमारे डीसी मोटर्स होते हैं, उसमें आपको सिर्फ यही जवाब देना होगा कि इंटरव्यू को, डीसी मोटर्स आर कंस्ट्रक्टेड विथ ब्रशेज एंड कम्यूटेटर्स। ओके, अभी तीसरी पॉइंट इसकी क्या है, ये है कि द स्पीड of AC motor controlled by changing frequency, और DC motor क्या क्या है, the speed of DC motor is controlled by varying the armature winding current। मतलब जो हमारे एसी मोटर्स में रोटर होता है ना, उसको अगर मैं घुमाऊं तो उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए हम एसी मोटर्स में तो इसी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए हमको एक डिवाइस रुका होती है VFD, वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। इस ड्राइव से हम उसकी फ्रिक्वेंसी को वेरी कर सकते हैं आराम से। अभी एसी डीसी मोटर्स का क्या है, मतलब इसमें है कि मतलब हमारे एसी मोटर्स की स्पीड VFD से कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो हमारे डीसी मोटर्स में आर्मेचर के करंट को कम ज़्यादा करने के लिए की स्पीड को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब कि आर्मेचर की वाइंडिंग का करंट है ना, उसको वेरी करके हमें किस मोटर की डीसी मोटर्स की स्पीड को वेरिंग कर सकते हैं, मीन्स चेंज कर सकते हैं, मीन्स अल्टर कर सकते हैं। समझ आई आपको? अभी इंशाल्लाह ये आपको पसंद आया होगा। अभी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।
तो आप अपना ख्याल रखें और भाई को अपनी दुआ में याद रखें, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें। सब्सक्राइब इलेक्ट्रिकल क्वेस्ट। थैंक यू वेरी मच।